नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सासों के टूर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में समझ लेते हैं मैकलिन इंजन से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने सेलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकलिन इंजन के सभी क्वेश्चन रहेंगे, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू एग्जाम दृष्टि से, प्लस बेसिक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मैकलिन इंजन से रिलेटेड। चलिए समझ लेते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स इस वीडियो में। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने लिया है व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देख लेते हैं व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस। तो आंसर में आपको बोलना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग इन द वेरियस मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन्स एंड इंजिन। मशीन्स एंड इंजिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखें इंजिन कन्वर्ट द हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट मशीन कन्वर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एक्सेप्ट द हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज पंप, इसके बाद व्हाट इज टर्बाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्बाइन एंड पंप। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रहेगा पंप इज ए डिवाइस विच ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द फ्लूड, और टर्बाइन बात करें तो द टर्बाइन डज द अपोजिट, इट ट्रांसफर द फ्लो एनर्जी ऑफ द फ्लूड टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द टर्बो मशीन्स। तो टर्बो मशीन के बारे में डेफिनेशन बात करें तो द टर्बो मशीन्स आर डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी टू और फ्रॉम द फ्लूड बाय द डायनेमिक एक्शंस ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो इसका आंसर हो सकता है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो रेट चेंज विद द हेड, व्हाट इन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप द फ्लो रेट रिमेन सेम। सिंपल डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजिन एंड हीट पंप। तो आंसर हम लिखेंगे हीट इंजिन प्रोड्यूस वर्क एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सोर्स। इसके बाद आगे बोल सकते हैं आप इन ए हीट पंप एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मीडियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इन इम्पल्स टर्बाइन ऑल द प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू या टू काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इन रिएक्शन टर्बाइन ए पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट रिमेन्स एज प्रेशर एनर्जी। सिंपल डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज गियर रेशियो। तो इसके बारे में बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द पिनियन गियर टू वन रेवोल्यूशन ऑफ द आइडियर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मशीन एंड ए मैकेनिज्म। तो मशीन एंड मैकेनिज्म में डिफरेंस की बात करें तो ए मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लिंक्स फ्रॉम ए कंस्ट्रेंड काइनेटिक चेन, इट्स फंक्शन इज बेसिकली टू ट्रांसमिट और मॉडिफाई मोशन। जबकि मशीन की बात करें ए मशीन इज ए मैकेनिज्म व्हाट हेयर वी आर कंसर्न विथ फोर्सेस टू बी ट्रांसमिटेड एंड इट्स यूज एंड इट इज यूज टू मॉडिफाई मैकेनिकल वर्क। तो ये है मशीन एंड मैकेनिज्म डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन है ऑन व्हाट फैक्टर द एफिशिएंसी ऑफ पंप डिपेंड। तो यहाँ पे जो पंप की डिपेंड एफिशिएंसी वो किस पे डिपेंड करती है एफिशिएंसी। तो इसमें बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए पंप जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बात करें डिपेंड अपॉन द पंप की साइज, डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड द प्रोपोर्शनल ऑफ द इंपलर एंड केसिंग ऑफ द पंप, इस टाइप का आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं व्हाट आर द लॉसेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसमें लॉसेस कितने होते हैं पंप में, तो देयर आर द लॉसेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल आर फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू एडाइज इन ए फ्लो, लीकेज होगा एक लॉसेस, फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द एम्पलर एंड इन चैम्बर ऑफ बार्टर और ग्लैंड एंड वियरिंग पावर लॉसेस। इतने सारे लॉस होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल फ्लो एंड क्रीप फ्लो। तो पोटेंशियल फ्लो अज्यूम विस्कस फोर्स टू बी जीरो, व्हाट सेम इज कंसिडर्ड लार्जर देन इनर्शियल फोर्स इज क्रीप फ्लो। ठीक, ये क्रीम फ्लो में एनर्जी फोर्स आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज फैक्टर ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन का फैक्टर क्या होता है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ हीट चेंज फ्रॉम फीड वाटर टू स्टीम एंड द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ कैविटेशंस कैजेस डैमेज। तो ये कैविटेशंस यहाँ पे वर्ड आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको हमको समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन मैंने समावेश किया है। तो कैविटी की बात करें, इन ए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम चाहे आपकी पाइपलाइन हो सकती है, पंप हो सकता है, कैविटेशन होता है क्लोज सिस्टम में। तो क्या इन ए क्लोज सिस्टम पाइपलाइंस और पंप्स वाटर एवोपरेटेड रैपिडली इन रीजन वेयर द प्रेशर ड्रॉप्स बिलो द वेपर प्रेशर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैविटेशंस। द वेपर बबल्स फॉर्म इन कैविटेशन यूजली कोलैप्स इन ए वायलेंट मैनर विच मे कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द सिस्टम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड कैविटेशंस इन पंप। इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन द सक्शन लिफ्ट एंड द ऑपरेटिंग स्पीड मस्ट बी केयरफुली चूजन। नेक्स्ट बोल सकते हैं व्हाट इज NPSH, फुल फॉर्म बोलेंगे इसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये वर्ड है। NPSH मीन्स होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH। इट इज द मेजर ऑफ मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड एट द सक्शन पाइप टू कीप द पंप फ्री फ्रॉम कैविटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो बोल सकते हैं विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूड टू द ग्रेजुअल डिफॉर्मेशंस ड्यू टू द शियर स्ट्रेस। और इसके बाद बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लूड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डिफाइन फ्लूड, ओनली फ्लूड डिफाइन करना है। तो ए फ्लूड इज ए सब्सटेंस that cannot remain at rest under the actions of any shear force. Next question, define fluid flow. तो fluid flow बात कर displacement of any quantity from one place to another place in given time. और इसकी second definition बोल सकते हैं the movement of particles is called fluid flow. इसकी unit होती है meter cube per hour. Question, what is turbulent flow? The movement of individual particles of fluid आर रैंडम एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि जो जिग जैक होता है आपका, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं आपका टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि एक डायरेक्शन में जो फ्लो नहीं हो रहा उसको हम बोलेंगे रैंडम या कॉम्प्लेक्स फ्लो, उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट लेमिनार फ्लो, यानी कि लीनियरली लेमिनार फ्लो होगा। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ फ्लूड आर पैरेलल टू पाइप सरफेस इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्लो वर्क। तो फ्लो वर्क इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश और फोर्स ए फ्लोइंग फ्लूड अक्रॉस ए सेक्शन बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज क्रीप फ्लो। तो क्रीप फ्लो की डेफिनेशन देखें, इट इज फ्लो एट वेरी लो रेनॉल्ड्स नंबर वेयर विस्कस फोर्सेस आर लार्जर देन द इनर्शिया फोर्स इज कॉल्ड क्रीप फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो इन स्टडी की बात करें ओनली, इन स्टडी फ्लो द वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, वेयर एज इन अनस्टडी फ्लो इट चेंज विथ टाइम्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे बात करें, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज द वर्क दैट मस्ट बी डन टू ब्रिंग इनफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड टू द सरफेस टू फ्रॉम वन न्यू यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, जो मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर समावेश करने का प्रयास किया। एक आपको बेसिक क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज आप पसंद आई होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो थी। यदि क्वेश्चंस से आपको बेसिक नॉलेज इंक्रीज हो, कोई हेल्प मिले, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करें। और आप चाहते हैं इस प्रकार की और अन्य एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलती रहें, वीडियो मिलती रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे इस अशोक एटीट्यूड यूट्यूब चैनल को, साथ दबा दें बेल आइकन का नोटिफिकेशंस, वेन फिर आपको ये मिलेगा हम जब भी इस चैनल पर नई वीडियो पब्लिश करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली एक और इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।